गाजियाबाद जनपद के थाना लोनी पुलिस ने दो शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। दिनांक 26 जनवरी के दिन जुनैद चिकन पॉइंट पर खाना खाने आए व्यक्ति आमिर से मारपीट कर मोटरसाइकिल छीनी गई थी, जिसकी शिकायत आमिर ने लोनी थाना पुलिस से की। वहीं थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह बढ़ाना ने टीम गठित कर चेकिंग के दौरान निठोरा रेलवे अंडरपास के पास से सन्नी व अमित को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से लूटी हुई मोटरसाइकिल व घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार को भी पुलिस ने बरामद कर दोनों लुटेरों को जेल भेज दिया। सर, अभी कुछ समय पहले लोनी इलाके में जो लूट की घटना हुई थी, सर क्या है पूरा मामला? 26 जनवरी को रात को 8:30 बजे के करीब ये लक्ष्मी सिनेमा के पास जुनैद चिकन पॉइंट से ये स्विफ्ट कार पर सवार दो लोग थे और एक मोटरसाइकिल पर जो मुकदमावादी आमिर था वो था, तो इन लोगों ने अपने स्विफ्ट रोक के इससे मोटरसाइकिल छीन ली थी। दिनांक 26 जनवरी की घटना थी। हमारी पुलिस टीम लगी हुई थी और इसमें 392 लूट का मुकदमा लिखा गया था और हमारी पुलिस टीम ने इसको 24 घंटे के अंदर घटना को वर्कआउट किया और इसमें प्रयुक्त जो दो अभियुक्त थे घटना करने में, सन्नी और अमित, ये पंच लोग टोनिका सिटी को, इनको गिरफ्तार किया गया है कल 27 तारीख को 8:00 बजे के करीब। इन दोनों अपराधियों से सर क्या क्या बरामद हुआ? इन दोनों अपराधियों से लूट में जो मोटरसाइकिल लूटी गई थी, मोटरसाइकिल और इनकी स्विफ्ट कार है सफ़ेद रंग की जिस पर ये सवार थे, ये दोनों चीज़ों बरामद की गई है। इनका आपराधिक इतिहास और सिजरा अन्य चीज़ें और खंगाली जा रही है, इन्होंने घटना में और कहां कहां घटनाएं करी है, इन सब चीज़ों को विस्तृत रूप से वर्कआउट किया जा रहा है।